नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसको एक्सेस करने में, अभी यूज़ करने में जो है बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से नया है। दोस्तों, आज हम आपको यहाँ बताएंगे, जो पहला जो पोर्टल हुआ करता था, वहाँ पर जो है फॉर्म 26AS को आसानी से डाउनलोड कर लेते थे, और उसको यहाँ पर नई वेबसाइट में कैसे करना है, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसे ही आप अपने जो है पुराने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं और आपका ये जो है पैनल आ जाता है लॉगिन का, इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ई फाइल का ऑप्शन, यहाँ पर आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न्स में। और इनकम टैक्स में रिटर्न्स में जाने के बाद आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू फॉर्म 26AS, ये ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ आपको जाना है व्यू फॉर्म 26AS। यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आ रहा है, उसमें ये कहना है कि TDS CPC की वेबसाइट पर आपका जो फॉर्म मिलेगा 26AS टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट का, वहाँ पर आपको यहाँ से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, एक नया टैब ओपन होगा, उसमें जो है ट्रेसिस की वेबसाइट ओपन कर दी जाएगी, और वहाँ पर जो है आप जाकर अपना फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख पाएंगे। दोस्तों, एक तो फॉर्म 26AS और फॉर्म 16, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब आप अपना साल भर का ITR फिल कर रहे होते हैं उसके लिए। तो हम दोस्तों यहाँ से जो है कंफर्म करेंगे और फॉर्म 26AS कैसे देखा जाता है ये देखेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने वहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, ये TDS सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल ट्रेसेस की वेबसाइट आ गई है। यहाँ पर जो है हमें इसके यूसेज और एक्सेप्टेंस को एग्री करना है, यहाँ पर जो जनरेट होता है, और हमें यहाँ से जो है प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है व्यू टैक्स क्रेडिट, आप फॉर्म 26AS यहाँ से देख सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, आपको असेसमेंट ईयर और आप किस तरीके से उसको देखना चाहते हैं, ये दोनों आप देख पाएंगे। आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर में क्लिक करेंगे, और क्योंकि हमें मान लीजिए ये भरना है आने वाले साल का 21-22 का, एक करेंट साल से ऊपर चलता है असेसमेंट ईयर आगे। और व्यू है, हम यहाँ पर कर देते हैं HTML, हम ऑनलाइन ही से देखना चाहते हैं। आप इसको बाद में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ HTML करा है, और हम व्यू और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहां पर व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद आपको जो है ट्रैक करके नीचे आना है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी आपसे संबंधित आ गई है, आपका नाम है, पैन कार्ड का स्टेटस, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट, आपका नेम, आपके जो है टैक्स डिडक्शंस कहां कहां हो रहे हैं, और कितनी जगह पर आपका टैक्स डिडक्ट होता है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में फॉर्म 15G के बारे में दिया हुआ है। इसी तरीके से जो अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें आपके जो है TDS कटने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल आपकी पूरी आती है, कहाँ कहाँ आपके जो है TCS TDS जो है यहाँ पर डिडक्ट होते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, ये पूरे पार्ट एज तक आप जानकारी यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, और इससे जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं आपकी उस वेबसाइट पर जहाँ से आप जो है फॉर्म को भर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था फॉर्म 26AS देखने का तरीका आपकी जो है नई पोर्टल से। तो हम यहाँ से लॉग आउट करके वापस चलते हैं हमारे पोर्टल पर, और यहाँ पर जब आप ये फाइल नाउ बटन पर जाने के बाद ITR को भर रहे होते हैं, वहाँ पर आजकल तो जो है प्री फिल्ड कंटेंट आ जाता है, और फॉर्म 26AS फॉर्म 16 जो है वहाँ पर पहले से ही वहाँ पर फिल्ड होते हैं। तो दोस्तों, ये क्रॉस चेक करने के लिए अब हो गया है कि यहाँ से आप अपने डिडक्शंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं, कहीं आपको डिडक्शन जो है ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है। दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो, कैसे हम फॉर्म 26AS को देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।